आत्मदाह चल रहा है। पीसी पंत और बॉबी पवार भाई टंकी पे चढ़े हैं, फॉरेस्ट गार्ड में जो भर्ती हुई है उसकी धांधे के विरुद्ध। तो देख सकते हैं आप पुलिस व्यवस्था कितनी है यहाँ पे और कितनी भीड़ लगी है। पुलिस ने जो है पूरे इंतज़ाम कर लिए हैं अपने यहाँ पे, बेरोजगारों को अलग अलग करने के लिए फायर ब्रिगेड आ चुकी है और यहाँ पे पुलिस भारी मात्रा में है। ये पुलिस की गाड़ी देखिए और एम्बुलेंस भी पहुँच चुकी है यहाँ पे, देखिए पुलिस ने लगभग सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं अपनी। ये कौन चढ़े हुए हैं? फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था ना। अच्छा, बच्चे चढ़े हुए हैं? हाँ, सुन ही नहीं रहा है कोई, तो क्या करें, किस बता रहे हैं। इतने दिन हो गए आमरण अनशन पे बैठे हैं, इतने दिनों से एक विधायक तक नहीं आया, नेता तो दूर की बात, मुख्यमंत्री दूर की बात, कोई नहीं पहुँचा। दिनों से आवरण अंतर में बैठे, कल जबरदस्ती उठा के ले गए इनको। गवर्नमेंट तो पैर ही होती है। हाँ, अब बचा भी क्या है आप ही बताइए, अब बचा ही क्या है बेरोजगारों के पास, और कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा। सरकार को समझ, ये पीसी पंत और बॉबी पवार जी बैठे हैं और पंत जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं आत्मदाह करने के लिए यहाँ पे। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था ना, उसमें मतलब सुन ही नहीं रहा कोई, तो लास्ट चार आई बचा बच्चों के पास, बस सीटें खा के बैठे हैं 8-10 लाख में, बेरोजगार क्या करेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना चाक चौबंद हो रखी है इस टाइम पुलिस हर एक मुद्दे पे। ये देखिए लाइव यहाँ पे सीटी रावत हैं जी, इतनी जल्दबाजी नहीं, अभी SIT की जांच चल रही है। देखो SIT की जांच पूरी नहीं हुई है यार, जांच एजेंसी जो है वो पूरी तरह से काम कर रही है, उसके फैक्ट जो आए हैं वो आयोग के सामने रखे हैं। मैम सुनिए, आयोग ने कहा था कि हम सुनिए मैम, आयोग ने कहा था कि हम परीक्षा में अगर अनियमितताएं सामने आती हैं तो हम परीक्षा को निरस्त करेंगे। 16 लोगों को तुमने गिरफ्तार कर दिया। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सुनील सर। सर एक बार मेरी भी बात सुनो, आज की बात सब अखबारों में चल रही है, SIT जो जांच करेगी आयोग, आप लोग पेपर के हिसाब से निर्णय ले रहे हो, हमको आयोग भी क्या पेपर के हिसाब से निर्णय नहीं लेगा? उसको तो जब दोनों SIT की जांच आएगी, कंपाइल होकर जांच आएगी, तब तो वो निर्णय लेगा। ठीक है, मैं मान गया, तो
फिर आयोग के सचिव सुबह अखबार में ये कहते हैं कि परीक्षा निरस्त नहीं होगी। हमारे अखबार में आया पहली उसमें साफ साफ कहा है ना, तुम अखबार की बात सुनोगे एजेंसी जो जांच कर रही है उसकी भी तो सुन लो, वो भी तो अपनी कार्रवाई करते हैं। हमने दैनिक जागरण से बात करने की कोशिश की, दैनिक जागरण ने साफ साफ कहा कि हमें सचिव के सचिव ने कहा है कि परीक्षा निरस्त नहीं होगा, हमने इसलिए छापा। जी सर अखबार पढ़िए सर, जो भी है आप लोगों को बताइए। घंटे दौड़े सौ सपने में दौड़ेगा क्या? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं आया। अरे भाई उनका बात नहीं करनी भाई, भाई भाई इधर आ जाओ, कोई इधर तोड़ने की बात करेंगे भाई। ये नेता तोड़ लिया लाइव दिखा दे, हम भाई तोड़ दे रहे हैं हमारे अब्यूज वाले, हमारे अब्यूज वाले तो आएंगे आएंगे पट्टी में, हमारे बड़े बड़े आएंगे। आ जाओ भाई गेट के अंदर आ जाओ, बात ही नहीं करनी मुझे। और भाई पुलिस वाले से क्या बात कर रहे हैं यार, पुलिस वाले यहीं आएंगे भाई, चला दो बेरोजगार संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, परीक्षा परीक्षा निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त कोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निरस्त कोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धंधेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, परीक्षा के अंदर न लोगों को जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, यहाँ पे पूरी पूरी व्यवस्था की जा रही है पुलिस के द्वारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जूते मारो यार, आज
सपोर्ट कर रहे हो हमारे साथ है और आ जाओ जो नहीं है वो घर चले जाओ इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ सीसी पंत भाई यही है वो देखिए सामने अरे कुछ नहीं है गलत हो भाई कुछ नहीं गलत Thank you.
भाई ये गलत तुम चला दे तो मैंने पढ़ा नहीं आज तुम मेरे साथ छाप रहे नहीं जा सुनो मेरे भाई मैंने चला नहीं सारा दी मीडिया में क्या वहाँ क्या कह रहा है फोन आया था किस पे किस पे किसी पंथ पे देखिए आप जोश देख सकते हैं यहाँ पे बैठता कैसा है जोश बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे बेरोजगार गुस्से में है आज तक जो है जो न्यूज वाले नहीं आए हैं जो भाड़े के पत्रकार अब तक नहीं पहुंचे थे वो भी पहुंच रहे हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले जो अब तक नहीं पहुंचे थे भाड़े के पत्रकार वो भी पहुंच रहे हैं आज ये देखिए पूरी तैयारी है पुलिस के यहाँ पे लाठी चार्ज करने की पूरी पूरी तैयारी है देख सकते हैं पुलिस बल जो है भारी मात्रा में तैनात है यहाँ पे और पूरी पूरी तैयारी है यहाँ पे पुलिस की लाठी चार्ज करने में आप सभी भी अगर देहरादून में है इस टाइम और देख रहे हैं यहाँ पे लाइव जो इतने बड़े स्तर पे अगर घोटाला हुआ इतने बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं और अभी तक परीक्षा निरस्त हो रही है पूरी तैयारी है यहाँ पे पुलिस की लाठी चार्ज करने की होने वाली है थोड़ी देर में संतोष बड़ून इस्तीफा दो इस्तीफा दो एस राजू इस्तीफा दो इस्तीफा दो एस राजू के बारे
बारे में एक बात बताता हूँ, जब ये समाज कल्याण विभाग में थे तो बजट मीटिंग में ताश खेलते हुए पकड़े जा रहे थे, इनकी फोटो चेयरमैन हो गए, अब ये बच्चों के भविष्य के साथ भी खेलने लग गए हैं। इस पे पहले भी आरोप लग चुके हैं, है ही नहीं। और ऊपर से संतोष बड़ोनी जी क्या कहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग सबने देखी होगी कि मैंने पैसे खाए हैं, मैंने पैसे खाए हैं, कर लो ये रिकॉर्डिंग पर देखी है सबने। ये एकता आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, जितनी एकता यहाँ पे बेरोजगारों में हंसता है। मनीष आपके लिए और यहाँ पर कुछ साथ साहब आपके कानों में एक चीज कहना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भर्ती घोटाला हुआ नेताओं ने किया, ठीक है, लेकिन नेता अकेले नहीं कर सकता, इस आयोग उठा हुआ कोई